मोबाइल फोन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल फोन को लॉन्च करने का सबसे बड़ा मकसद अपने ग्राहकों को एंटरटेन करना है, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट के बाद मोबाइल फोन लोगों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। तकलीफ की बात ये होती है कि स्क्रीन छोटी और बैटरी बैकअप कम होने की वजह से अच्छे खासे फोन भी बोरिंग लगने लगता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मोटो E5 प्लस को लॉन्च किया गया है। अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, जिससे आप 18 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 200 से ज्यादा घंटे तक म्यूजिक और 20 से ज्यादा घंटे तक कॉल कर सकते हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने भी आने की शिरकत की और इस मोबाइल फोन के बारे में बहुत कुछ बताया। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हम लोग हमेशा पूरे टाइम आजकल सारी इंफॉर्मेशन जो है सब सोशल मीडिया से मिलती है। इनफैक्ट विद ऑल ऑफ अस आल्सो एक्टर्स आल्सो वी हैव आवर ओन पोर्टल्स, यू नो, लाइक आवर इंस्टाग्राम अकाउंट इज एज गुड एज अ पोर्टल जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमारी नई फोटो जैसे ये आई है बाहर शेयर करते हैं, हमारी नई इन्फॉर्मेशन भी शेयर विद यू गाइस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एंड या सीरियसली। जब इस इवेंट को लेकर मीडिया से बातचीत हुई तो सब ने इस मोबाइल फोन की तारीफ की। प्राइसिंग क्या है, स्टोर्स में कब से अवेलेबल होगा? E5 प्लस है, वो E4 प्लस के ऊपर उसकी काफी एडवांटेजेस है। पहला तो डिज़ाइन है, दैट इज़ अ वेरी प्रीमियम डिज़ाइन एंड यू गेट अ बिगर स्क्रीन। इन सारी चीज़ों को बिल्डअप करके E5 प्लस है, उसका प्राइस हमने डिसाइड किया है 11,000 एंड जो हमारा E5 है जो रिटेल चैनल्स और मोटर उसका प्राइस है। दिल्ली और NCR की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ASG News और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े ASG News नेटवर्क के साथ।